नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 की कट ऑफ के बारे में। और यहां पे आप सभी जानते हैं कि इसकी आंसर की जारी हो चुकी है और इसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि अगर आप कितने नंबर हैं तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके अलावा कितने आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, एवरेज स्कोर क्या है और मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो देखिए, सीएचएसएल की आंसर की आने के बाद आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया है और मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना स्कोर भी बता दिया है कि हमारा इतना स्कोर जा रहा है। तो यहाँ पे इन सभी फैक्टर को यूज करते हुए हम आपकी कट ऑफ बताएंगे। लेकिन कट ऑफ से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हर बच्चा ये जानना चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, यानी कि कितने नंबर यहाँ पे हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि विद नॉर्मलाइजेशन आपका कितना स्कोर जा सकता है, क्योंकि मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के साथ ही आपकी कट ऑफ बताऊंगा कि विद नॉर्मलाइजेशन इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज स्कोर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हम सभी को देखें, सभी शिफ्ट को मिला दें, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज स्कोर जाता है वो जाता है 128.5, ठीक है। सभी शिफ्ट को मिला के अगर हम औसत निकालते हैं तो हमारा स्कोर ये निकलेगा 128.5 मार्क्स, ठीक है। 200 का आपका पेपर था तो इसमें से ये आपका औसत स्कोर आपका ये आ जाता है। और अगर मैं बात करूं कि मिनिमम स्कोर यहाँ पे कितना आ रहा है, तो मिनिमम स्कोर की हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम अगर बच्चों का देखा जाए तो न्यूनतम जो स्कोर जा रहा है वो जा रहा है 121 नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो चलो मैक्सिमम भी समझ लेते हैं जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और मैक्सिमम आपका जा रहा है 136 मार्क्स, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसी के मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर घट बढ़ सकते हैं, ये चीज आपको क्लियर समझ लेनी चाहिए। तो देखो, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतने मैक्सिमम आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम जो आपके नंबर हैं उसमें जो आपके नंबर का गैप है वो है 15 मार्क्स। तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे 15 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे न्यूनतम हमें कितने नंबर का मिलेगा, तो न्यूनतम मिलेगा हमारा जो आपका एवरेज स्कोर है और न्यूनतम स्कोर है उसके बीच का गैप, यानी कि 7.5 नंबर। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हर बच्चे को कम से कम 7.5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और अधिकतम किसी बच्चे को अगर मिल सकते हैं तो वो मिल सकते हैं 15 नंबर। ये दोनों चीजें आपको समझ लेनी है, क्योंकि जब मैं नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको कोई स्कोर बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी, तो आपको ये चीजें ऐड करनी होंगी। जिसकी सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट होगी उसे 15 नंबर, और जिसकी सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होगी उसे भी यहाँ पे कम से कम 7.5 नंबर मिलेंगे, सभी को यहाँ पे पूरे स्कोर को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात कि इतने नंबर मैक्सिमम जा सकते हैं और इतने नंबर मैक्सिमम आपके बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और आप सभी भी इस चीज को बता सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं कितना सही है कितना गलत। ये जो एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं वो टोटल यहाँ पे 36 आपकी शिफ्ट हुई है, उन सभी के एवरेज मार्क्स यहाँ पे निकाल लिए गए हैं जो आपको अभी बताया गया है। अब इसके अलावा चलते हैं आपकी कट ऑफ की तरफ, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं हम कट ऑफ की तरफ। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज क्लियर और कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी डाउट होगा कि यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आप सभी जानते हैं कि इस बार आपके सिलेबस में चेंजेस किए गए थे और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव होना नहीं है, तो आपका जो टायर टू होगा, ठीक है, आपका टायर टू जो होगा उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और आपका जो टायर वन है, अभी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी, टायर टू आपको देख लेना है। टायर टू में इस बार आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके भी रहेगा, ये सारे सब्जेक्ट आपके वहां पे आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि टायर टू ही आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिलवाएगा। तो टायर वन केवल क्वालिफाइंग है। अब आ जाते हैं आपके कट ऑफ की तरफ और आपके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, 2021 की कट ऑफ को भी मैंने यहाँ पे लिया है ताकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चल पाए, और अगर आप 2020 की कट ऑफ में जाएंगे तो भी वो आप जाके चेक कर लेना, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 140.18 आपकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 2021 वाली भर्ती में। साथ ही मैं वैकेंसी भी क्लियर कर देता हूं कि लगभग 6013 आई थिंक यहाँ पे वैकेंसी थी। अगर एक्सपेक्टेड हम 2022 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4500 आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा 2022 की जो अटेंडेंस है वो काफी कम रही है 2021 की तुलना में। अब यहाँ पे ओबीसी की मैं बात करूं तो 140.12, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 131.40 और एससी की जो कट ऑफ है 112.86 और एसटी की कट ऑफ जो आपकी गई है 104.78। तो ये आपकी कट ऑफ गई है थी कैटेगरी वाइज 2021 में। अब 2022 की अगर मैं बात करूं तो देखो पहली बात तो ये कि ये आपकी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी है। आपकी वैकेंसी जहां तक है इंक्रीज हो जाएंगी और मुझे लगता है कि लगभग 6 से 7 हजार के प्लस आपकी ये वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से आप सभी को ये अनुमानित चीज बता रहा हूँ। इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है कि भाई 7000 ही हो जाएंगी या 6000 रहेंगी या 5000 ही रहेंगी या इससे भी कम हो जाएंगी, लेकिन अनुमानित हम ये मान सकते हैं कि लगभग 7000 तक आपकी वैकेंसी जाएंगी। और एग्जाम लेवल की बात करें क्योंकि कट ऑफ में भी एग्जाम लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक मेन फैक्टर है। तो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल था मुझे लगता है कि इस बार 2022 वाला जो लेवल था 2021 से कहीं ना कहीं ऊपर था। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे कट ऑफ की बात आ जाती है। हालांकि मैंने कट ऑफ के लिए ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दिया था, लेकिन जब आपकी आंसर की के बाद जब बच्चों के कमेंट आए तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और थोड़े से डेटा में यहाँ पे चेंजेस हुआ है, जो कि जैसे कि लास्ट में मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन वाला बता दिया। हालांकि मैंने उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला फिर भी आपको पहले से एक आइडिया दिया था कि 10 से 15 नंबर, लेकिन 10 से 15 नंबर अब डेटा को पूरा एनालिसिस करने के बाद एग्जैक्ट ये नंबर हाथ में आ गया है कि मिनिमम 7.5 नंबर और मैक्सिमम 15 नंबर एवरेज पूरा निकल के आ गया। तो उससे ये फायदा हो गया कि हमें कंफर्म पता चल गया है कि इतने कम से कम नंबर बढ़ेंगे और अधिकतम इतने नंबर बढ़ जाएंगे। अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में देखो, भले ही आपको लग रहा हो, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि इससे ज्यादा जाएगी कम जाएगी, अगर आपके विद नॉर्मलाइजेशन 136 मार्क्स हो जाते हैं तो आपको टायर टू की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो 100% आपका 136 नंबर पे आपका टायर वन क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे को ये पता होता है कि क्वालिफाइंग है तो उसमें बच्चा बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करता, बस ये लगता है कि हाँ भाई ऑन एवरेज बहुत बच्चा होशियार भी होता है तो वो सोचता है कि 150 के अप्रोक्स हो गया काम। लेकिन जब ये पता होता है कि इसके फाइनल मेरिट में नंबर ऐड होंगे तो बच्चा ये कोशिश करता है कि भाई 200 में से जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कर लो। तो इसका भी कहीं ना कहीं भले ही हम इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करता है तो स्कोर भी उसी हिसाब से होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी भी लास्ट ईयर आपने देखा कि जनरल ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा और लगभग आप मान सकते हैं कि 133 या 134 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना रह सकता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बार ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले क्या था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ज्यादातर बच्चों के जो सर्टिफिकेट थे वो बन नहीं पाए थे, तो इस वजह से आपको लगभग यहाँ पे 9 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिल गया था, ठीक है ओबीसी और इसमें। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका ये जो डिफरेंस हो वो कम हो जाए, इतना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर लगभग मैं बात करूं तो लगभग 129 से 130 के बीच में अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नंबर बन रहे हैं विद नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं एससी की, यहाँ पे एससी में आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो लगभग एससी में 108 से 109, ठीक है ये मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको खुद पता चल जाएगा जब आपकी कट ऑफ जारी होगी कि कितनी एग्जैक्ट मैंने आपको बताई है। और वहीं पे एसटी की बात करूं तो 102 नंबर अगर आपके कट ऑफ में बन रहे हैं विद नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो आपकी टफेस्ट शिफ्ट है, अगर आपकी टफेस्ट शिफ्ट है सबसे ज्यादा तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम आपको 15 नंबर तक मिल सकते हैं। तो उस बच्चे के अगर 121 नंबर भी अगर आ रहे हैं तो भी बच्चे का हो जाएगा, रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है अगर बच्चे के 121 नंबर भी आ रहे हैं। और अगर आपका सबसे इजी वाली शिफ्ट में भी जाता है तो आप ये मान के चले कि 7.5 नंबर यहाँ पे आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 128.5 नंबर भी आपके बन रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा मिनिमम। क्योंकि मिनिमम आपका जो है ना नॉर्मलाइजेशन का बताया है 7.5 नंबर आपको बोला है, कितने नंबर आपके बढ़ेंगे 15 नंबर मैक्सिमम आपके जा सकते हैं। तो जो भी चीज है
एनालिसिस करके आपके लिए बताई जा सकती थी, वो सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी हैं। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अब टायर टू की तरफ, क्योंकि टायर टू ही यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा। इससे पहले तो आपका जो प्री वाला एग्जाम होता था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, तो इसी के नंबर एड होते थे, लेकिन इस बार ये केवल क्वालिफाइंग है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी चीजें हैं वो एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशंस भी आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।